वाराणसी प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के तत्व या निवेश या प्रभाग अथवा निर्धारक। ध्यान दें, विदेश नीति के तत्व या प्रभाग, निवेश अथवा निर्धारक। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि विदेश नीति के तत्वों पर वर्णन कीजिए, या विदेश नीति के प्रभाव पर वर्णन कीजिए, या विदेश नीति के निवेश मींस इनपुट निवेश के ऊपर, या जो है इसको आगत भी कह सकते हैं, इसके ऊपर वर्णन कीजिए, या विदेश नीति के जो निर्धारक होते हैं उसके ऊपर वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब आज का जो लेक्चर है वो इससे संबंधित है। किसी भी देश के द्वारा जब अपनी विदेश नीति तय की जाती है, या एक राष्ट्र राज्य के द्वारा दूसरे राष्ट्र राज्य के साथ अपने संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो संबंध स्थापित करते समय उसकी जो कार्य योजना होती है, उसके जो सिद्धांत होते हैं, चूँकि कार्य योजना और सिद्धांत एक राष्ट्र राज्य के द्वारा जब तय किया जाता है तो वह कार्य योजना और सिद्धांत विदेश नीति कहलाता है। तो एक राष्ट्र राज्य के द्वारा कार्य योजना तय करते समय वह किन किन तत्वों से प्रभावित होता है, उसे ही विदेश नीति के निवेश, इनपुट, आगत या निर्धारक या तत्व या प्रभाग कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के तत्व या प्रभाग, निवेश अथवा निर्धारक, अथवा निर्धारक, इसको निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं। लेक्चर नंबर 40, पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स, विदेश नीति को मैं समग्र रूप में समझाऊंगा, विदेश नीति के सारे सिद्धांत भी आपको बताऊंगा, इसी के साथ में विदेश नीति के संदर्भ में जितनी भी बातें हैं वो सब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान दें, आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति के तत्व, या इनको आप निवेश, इनपुट, आगत भी कह सकते हैं, है प्रभाग भी कह सकते हैं, निर्धारक भी कह सकते हैं। एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है विदेश नीति के तत्व या प्रभाग, निवेश, इनपुट, आगत, कुछ भी कहें इसको, अथवा निर्धारक। ठीक है बेटा, चलिए अब विदेश नीति के तत्वों को हम समझें, उससे पहले ये डायग्राम समझें, ये डायग्राम समझ में आ जाएगा तो फिर विदेश नीति के तत्व। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए बेटा 24 तत्व या निवेश तैयार किए, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को किसी भी देश की विदेश नीति को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए मैंने भरसक प्रयास किया है कि विदेश नीति के सारे जो निवेश हैं वो सारे के सारे निवेश मैं मेरे विद्यार्थियों को बता सकूं। फिर किसी भी रूप में परीक्षा में कैसा ही प्रश्न पूछा जाए, मेरे विद्यार्थी कहीं पर भी जो है पराजय नहीं हो सकते हैं, उनको ऐसा सफलता हाथ लग ही नहीं सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुका है उसे बेटा इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने लगभग अभी मुझे 27 वर्ष हो गए महाविद्यालयों में पढ़ाते हुए, मैंने ये निष्कर्ष निकाला था कि वास्तव में महाविद्यालय विद्यार्थियों को उस रूप में राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लोक प्रशासन नहीं समझा जाता है जिस रूप में समझाया ना जाना चाहिए। इसलिए मैंने ये तय किया कि क्यों ना मैं मेरे संपूर्ण भारत के विद्यार्थियों को, पूरी दुनिया के विद्यार्थियों को जो कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, उनको मैं अच्छे से राजनीति विज्ञान समझा सकूँ, अच्छे से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझा सकूँ, अच्छे से लोक प्रशासन समझा सकूँ, अच्छे से पश्चिमी राजनीतिक विचारक समझा सकूँ, अच्छे से भारतीय राजनीतिक विचारक समझा सकूँ, अच्छे से डिप्लोमेसी, कूटनीति समझा सकूँ, अच्छे से रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान प्रविधि समझा सकूं। मतलब कहने का मेरा भावार्थ, एक राजनीति विज्ञान से संबंधित जितना भी पाठ्यक्रम है, मतलब जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको मैं अच्छे से समझा सकूं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं राजनीति विज्ञान में एक एक बात को आपको गहराई से समझाऊंगा। चलिए बेटा, सबसे पहले डायग्राम समझें, ये समझने के बाद में आपको विदेश नीति के तत्वों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान दें बेटा, सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि तैयार करता हूँ जो कि आपके लिए जानना निहायत ज़रूरी है। क्या बेटा, देखो बेटा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन करते हैं, यस, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है ना, जो एक्टर होता है, जो इकाई होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो बेटा राष्ट्र राज्य होता है। जैसे मान लीजिएगा, आज हम चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसके सदस्यों की संख्या 193 है मान लीजिएगा। ठीक है, तो 193 जो राष्ट्र राज्य हैं, वो बेटा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्या हैं, अभिनेता हैं। क्या है बेटा, अभिनेता। तो ये बात मेरे सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अभिनेता होता है, एक्टर होता है, कार्यकर्ता होता है, इकाई होता है, वो कौन होता है,
राष्ट्र राज्य होता है, अभिनेता कौन होता है, राष्ट्र राज्य होता है। अब सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे, राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास करेंगे तो अपनी विदेश नीति तय करते समय राष्ट्रीय हितों को अवश्य ध्यान में रखेंगे, रखेंगे तो ध्यान दें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय हित, अर्थात सभी राष्ट्र राज्य, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश हैं, सभी राष्ट्र राज्य अपनी विदेश नीति तय करते समय अपने अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा को अवश्य ध्यान में रखेंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य राष्ट्रीय हित होता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति विदेश नीति में होती है। बेटा समझना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति किस में होगी, फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति में, और विदेश नीति का प्रधान तत्व क्या होता है, राष्ट्रहित होता है। नोट करना है ये, राष्ट्रहित विदेश नीति का प्रधान तत्व होता है और ये राष्ट्रहित ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है। अब राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए कोई भी देश हो, भले कोई भी राष्ट्र राज्य हो, इधर मैंने लिखा है राष्ट्र राज्य, राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए कोई भी राष्ट्र राज्य जो कार्य योजना तैयार करता है, जो सिद्धांत बनाता है, वो कार्य योजना और सिद्धांत ही विदेश नीति कहलाता है। बेटा क्या ये कार्य योजना और सिद्धांत जो होता है वही विदेश नीति कहलाता है। बेटा क्या कहलाता है, विदेश नीति। मान लीजिएगा आपसे पूछ लिया जाए विदेश नीति किसे कहते हैं, तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं कि किसी भी देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय की जाती है वह कार्य योजना ही विदेश नीति कहलाती है। और विदेश नीति का प्रधान तत्व क्या होता है, राष्ट्रीय हित होता है, क्योंकि कार्य योजना तय करते समय सभी राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे, तो विदेश नीति का प्रधान तत्व राष्ट्रीय है। आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लक्ष्य क्या है, आंसर देंगे राष्ट्रीय हित। यस, आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अभिव्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति किसमें होती है, आपका आंसर होगा विदेश नीति में होती है। तो ये सामान्य सा डायग्राम है, इसको आपको अवश्य ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, आप भारत की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ मान लीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम कहें कि इसका लक्ष्य क्या है, तो भारत का लक्ष्य क्या है, राष्ट्रीय हित है। अब भारत अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए कार्य योजना तैयार करेगा, तो भारत की जो कार्य योजना होती है कार्य योजना विदेश नीति, और विदेश नीति का प्रधान तत्व राष्ट्रीय हित होता है। तो भारत अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा, अमेरिका अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखेगा, चीन अपने राष्ट्रीय को ध्यान में रखेगा निश्चित रूप में। तो ये एक सामान्य सी जानकारी होगी। अब हमें आज क्या समझना है, हमें ये समझना है कि राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तैयार की जाती है, जो कार्य योजना तय की जाती है, जो कार्य योजना निर्धारित की जाती है, जो सिद्धांत तय किया जाता है, वह कार्य योजना और सिद्धांत की विदेश नीति कहलाता है। तो यहाँ पर इस विदेश नीति को, मतलब यहाँ जो ये कार्य योजना है, इस कार्य योजना को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं, इस कार्य योजना को किन किन तत्वों ने प्रभावित किया है, ये कार्य योजना किन किन तत्वों से प्रभावित होती है, इसे ही विदेश नीति के तत्व, विदेश नीति के निवेश, विदेश नीति के इनपुट, विदेश नीति के आगत, विदेश नीति के प्रभाव, विदेश नीति के निर्धारक कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब मैंने यहाँ लिखा है, एक विद्वान है जे एन रोसेनो, बेटा ध्यान दीजिएगा, जे एन रोसेनो ने ने विदेश नीति के मुख्य निवेश या तत्व निम्न या इस प्रकार बताइए। नोट करेंगे ये बात आप, जे एन रोसेनो ने विदेश नीति के, ये विदेश नीति के मुख्य निवेश या तत्व निम्न बतलाइए। मतलब यहाँ देखो फिर समझिए, विदेश नीति बेटा किसको कह रहे हैं, किसी भी देश के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना निर्धारित की जाती है, जो कार्य योजना तय की जाती है, जो सिद्धांत तय किया जाता है, वह ही विदेश नीति कहलाता है। और ये कार्य योजना है, इस कार्य योजना को किन किन तत्वों ने प्रभावित किया है, जो तत्व इस कार्य योजना को प्रभावित करते हैं, जिन इनपुट से, जिन निवेश से, जिन आगत से, जिन निर्धारक से, जिन प्रभाग से ये कार्यकलाप कार्य योजना प्रभावित होता है उसे ही विदेश नीति के तत्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब विदेश नीति के मुख्य निवेश या तत्व या प्रभाग या निर्धारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैंने 24 तत्वों की चर्चा की है, 24 तत्व आप नोट करेंगे, ज़्यादातर राइटर्स की किताबों के अंतर्गत 8, 7, 9 तक तत्व दिए गए हैं, लेकिन मैंने भारत के अंतर्गत जितने भी विद्वान हैं
जिन्होंने भी विदेश नीति के तत्वों की चर्चा की है उन सब के तत्वों को एकत्रित करके और आपके सामने यहाँ 24 तत्व नोट कर दिए हैं। चलिए बेटा, सबसे पहला जो तत्व होता है बेटा विदेश नीति का तत्व, अर्थात जब कोई भी देश अपनी कार्य योजना तय करता है तो निश्चित रूप उसकी कार्य योजना उस देश के आकार से प्रभावित होती है। उस देश का आकार छोटा है या बड़ा है, मान लीजिएगा मैं बात करूँगा यहाँ भारत है, अमेरिका, चीन, रूस, निश्चित रूप में इनका आकार बड़ा है, है? क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो निश्चित रूप में एक ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल ही कम हो, क्षेत्रफल भी कम हो, है जनसंख्या भी कम हो, तो निश्चित रूप में इन दोनों की विदेश नीति में अंतर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम चीन की बात करें दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड की बात करें, भारत की बात करें दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, तो निश्चित रूप में इनकी विदेश नीति में अंतर पाया जाएगा, अंतर होगा ही होगा। तो इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप में विदेश नीति को प्रभावित करने में आकार का बहुत योगदान होता है, अर्थात किसी भी देश की विदेश नीति आकार से प्रभावित होती है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो वो आकार चाहे हम कहें जनसंख्या की बात भी कर सकते हैं, उसके क्षेत्रफल की भी बात कर सकते हैं कि जनसंख्या कम है कि ज़्यादा है, क्षेत्रफल छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, नंबर दो बेटा, अगर मैं यहाँ ये 24 के 24 जो निवेश या तत्व हैं इनको विस्तृत रूप में मैं बताऊँ तो मेरे ख्याल में लगभग 5 घंटे में मैं ये बात पूरी नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं आपको संक्षेप में समझाने का प्रयास करूँगा। यस बेटा, दूसरा है भूगोल। बेटा किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, भले ही भारत है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, कोई भी देश हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसे 193 सदस्य देश है, तो किसी भी राष्ट्र राज्य की विदेश नीति का आप यदि अध्ययन करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जो विदेश नीति होती है किसी भी राष्ट्र राज्य को भूगोल से भी प्रभावित होती है, भूगोल से भी। भाई वहाँ का जलवायु किस प्रकार का है, जलवायु किस प्रकार का है, वहाँ पर वास्तविक रूप में जो उत्पादन होता है वह उत्पादन का स्तर क्या है, ये सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे कि उस देश की विदेश नीति प्रभावित होती है। मैंने पहले कह दिया बेटा मैं संक्षेप में लूँगा थोड़ा है, क्योंकि डिटेल सीधे मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप इतना भी ध्यान रखेंगे इतना भी समझ जाएंगे तो काम चलेगा। तीसरा बेटा इसका विदेश नीति का निवेश है आर्थिक विकास। देखिएगा बेटा, एक देश ऐसा है जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, एक देश ऐसा है जिसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर है। फॉर एग्जांपल आज हम भारत की बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, यस, कोरोना काल का मुकाबला करते हुए भी आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, मजबूत है। दूसरी तरफ हमारे देश पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, है? अगर हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, तो निश्चित रूप में कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी मजबूत रही, लेकिन अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था डिगमगा आ गई थी। तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि उस देश की जो आर्थिक विकास की गति है वह बढ़ रही है या घट रही है, इससे भी जो है विदेश नीति प्रभावित होती है, भले ही कोई विदेश क्यों ना हो। बेटा चौथा है संस्कृति तथा इतिहास। देखिएगा बेटा, भले ही आप भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, ये तीन देशों के नाम मैंने इसलिए लिखे कि इससे हम इन सब बिंदुओं को समझ सकें। मान लीजिएगा हमने बात की संस्कृति तथा इतिहास की, तो अगर भारत की विदेश नीति की बात की जाती है तो भारत अपनी राष्ट्रीय की प्राप्ति की जो कार्य योजना तैयार करेगा, जो कार्य योजना बनाएगा, तो निश्चित रूप में भारत की जो कार्य योजना होगी या अमेरिका की जो कार्य योजना होगी या चीन की जो कार्य योजना होगी वह निश्चित रूप में वहाँ की संस्कृति तथा इतिहास से प्रभावित होगा ही होगा। जैसे मान लीजिएगा हम भारत की बात करते हैं तो भारत की विदेश नीति निश्चित रूप में इतिहास और संस्कृति के अनुरूप ही है। जैसे हमारे यहाँ तो प्राचीन समय से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, क्या वसुधैव कुटुंबकम की भावना है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। इसलिए हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति के अंतर्गत जो कार्य योजना है, हमारी कार्य योजना क्या है कि हम शांति से जियो और जीने दो के सिद्धांत पर अपनी विदेश नीति तय करेंगे। मतलब हमारी जो विदेश नीति है वह जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित। मैंने पहले कहा था ना कि राष्ट्रहित की प्राप्ति के लिए जो सिद्धांत, जो कार्य योजना होती है उसे विदेश नीति कहा जाता है। तो भारत का सिद्धांत क्या है, शांति से जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। चीन की बात आती है तो चीन का सिद्धांत क्या है, ना शांति से जियेंगे ना शांति से जीने देंगे। पाकिस्तान की बात आती है तो हम तो मर चुके तुमको भी मारेंगे। तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की संस्कृति और इतिहास जो होता है, उसकी जो कल्चर होती है, उसका जो हिस्ट्री होता है, उससे भी वहाँ की विदेश नीति प्रभावित होती है, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो। आप किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, तो आपको इस तत्व को अवश्य ध्यान में रखना होगा, उस देश की संस्कृति का अध्ययन करना होगा, उस देश के इतिहास का अध्ययन करना होगा, किसी भी देश की विदेश नीति का यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो।
पांचवा है बेटा शक्ति का ढांचा। देखिएगा बेटा, शक्ति का ढांचा है यह भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। मान लीजिएगा एक राष्ट्र राज्य ऐसा है, जैसे हम आज बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो सुपर पावर बना बैठा है। 1991 सोवियत संघ का विघटन हो, उसके बाद में एक महाशक्ति शेष रह गया था ये। हालांकि अब धीरे धीरे बहुत ही स्वस्थ उभर कर सामने आ रहे, क्योंकि अब चीन भी कम नहीं है, तो रूस भी कम नहीं है, तो भारत भी कम नहीं है। तो निश्चित रूप में शक्ति का क्या ढांचा है, जैसे हम शक्ति के ढांचे की बात करें तो एक ध्रुवी सुव्यवस्था, बहुत ध्रुवी सुव्यवस्था, द्विध्रुवी सुव्यवस्था है। तो दूसरी विश्वयुद्ध के बाद में दो ध्रुवी सुव्यवस्था बन गई थी, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ। सोवियत संघ का विघटन 1991 होगा, 1991 जैसे सोवियत संघ का विघटन होगा एक ध्रुवी सुव्यवस्था बन गई। लेकिन आज की स्थिति देखते हैं तो अब हम कहेंगे कि अमेरिका को टक्कर देने वाले कितने राष्ट्र राज्य उभर कर सामने आ गए। तो निश्चित रूप में हम ये कहेंगे कि शक्ति का ढांचा क्या है, वैश्विक व्यवस्था कैसी है, एक ध्रुवीय, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, या फिर जो है क्या कह रहा हूँ मैं, एक ध्रुवी सुव्यवस्था है, बहुध्रुवी सुव्यवस्था है, या द्विध्रुवी सुव्यवस्था है, इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है विदेश नीति के ऊपर। इसलिए शक्ति के ढांचे के आधार पर भी आपको विदेश नीति समझनी होगी, मतलब विदेश नीति का जो निवेश होता है वह शक्ति का ढांचा भी होता है। छठा है बेटा समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां। निश्चित रूप में किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन करना है आपको, तो ये जरूर देखना है कि कुछ देश ऐसे होते हैं जो कि अपने शत्रु राष्ट्र राज्यों के साथ भी अच्छे से समझौते करते हैं और संधियां करते हैं। जब हम शत्रु राष्ट्र राज्यों से भी संधि और समझौते करते हैं, तो निश्चित रूप में संधि और समझौता करने वाले राष्ट्र राज्य की शक्ति बढ़ जाती है। जैसा कि मनु कोटिल शुक्र ने भी कहा है कि राजाओं को हमेशा प्रयास करना चाहिए कि उसे अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए और शत्रुओं की संख्या कम करनी चाहिए। तो शत्रुओं की संख्या कम करेगा तो शत्रुओं से भी समझौता करना पड़ेगा, शत्रु से भी संधियां करनी पड़ेगी, तभी तो मित्रों की संख्या बढ़ेगी। और जब मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वह राष्ट्र राज्य शक्तिशाली होगा निश्चित रूप में। इसलिए बेटा किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वह निश्चित रूप में समझौते और संधियों से भी प्रभावित होती है। बेटा सातवा है तकनीक। किसी भी देश की विदेश नीति होती है वह वहाँ की टेक्निक से भी प्रभावित होती है। अगर किसी देश के अंतर्गत बहुत अच्छी टेक्निक है, तकनीकी का स्तर उच्च है, तो निश्चित रूप में अच्छी विदेश नीति का निर्माण करेगा। और किसी राष्ट्र राज्य की तकनीक ही जो है विकसित नहीं हो पाई है, तो वहाँ की विदेश नीति इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए तकनीकी का जो स्तर है, तकनीकी के स्तर से भी किसी भी देश की विदेश नीति प्रभावित होती है। इसलिए तकनीक भी विदेश नीति का तत्व या निवेश या निर्धारक या प्रभाव कहलाता है। आठवां है बेटा सामाजिक ढांचा। देखिएगा किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है ना, वो सामाजिक ढांचे से प्रभावित होती है। मान लीजिएगा किसी भी देश के अंतर्गत हम ये विदेश नीति का विश्लेषण कर रहे हैं, मान लीजिएगा भारत की बात करते हैं, तो आप देखिएगा भारत के अंतर्गत क्या जाति भाषा धर्म को लेकर के मतभेद नहीं है? जी हाँ मतभेद है। अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो आज अमेरिका के अंतर्गत ऐसा कोई मतभेद नहीं है। तो निश्चित रूप में किसी भी देश की विदेश नीति का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ ये देखना जरूरी है कि वहाँ पर जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर मतभेद हैं कि नहीं, विवाद है कि नहीं। अगर एक देश के अंतर्गत समाज बटा हुआ है, मतभेदों से ग्रसित है, जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ है, उनमें हमेशा गृहित जैसी स्थिति बनी रहती है, तो उसकी विदेश नीति अलग प्रकार की होगी। और एक देश ऐसा है जिसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, वहाँ पर किसी भी रूप में कोई गुटबाजी नहीं है, तो उसकी विदेश नीति अलग होगी। तो निश्चित रूप में किसी भी देश का जो सामाजिक ढांचा होता है वह भी निश्चित रूप में विदेश नीति को प्रभावित करता है। इसलिए सामाजिक ढांचा भी विदेश नीति का निवेश कहलाता है, इनपुट कहलाता है, आगत कहलाता है। बेटा दस नौवां है जनमत की मनोदशाएं। निश्चित रूप में बेटा विदेश नीति को आंतरिक, मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य की विदेश नीति का आप अध्ययन कर रहे हैं तो उस देश की जनता और विश्व की जनता, वास्तव में कोई भी राष्ट्र राज्य अपनी कार्य योजना तय करते समय आंतरिक या अपने राष्ट्र राज्य की जनता और विश्व की जनता से वो प्रभावित होता ही होता है। क्योंकि अपने देश की जनता के विरुद्ध वह कभी भी कोई भी ऐसी कार्य योजना नहीं बना सकता जो कि जनता को पसंद ना आए, और बाहरी रूप में भी कोई भी राष्ट्र राज्य ऐसा नहीं करना चाहेगा जिससे कि वह विश्व जनमत की निगाहों में गिरे। कोई भी राष्ट्र राज्य ऐसा नहीं करेगा, और अगर कोई राष्ट्र राज्य ऐसा करता है तो विश्व जनमत की निगाहों में उसे असभ्य राष्ट्र की संज्ञा दे दी जाती है। क्या? असभ्य राष्ट्र राज्य। और कोई भी राष्ट्र राज्य नहीं चाहेगा कि हमें असभ्य राष्ट्र राज्य का दर्जा दिया जाए। यस बेटा दसवां है राजनीतिक उत्तरदायित्व। बेटा निश्चित रूप में यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो राजनीतिक दल होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, निश्चित रूप में ये
जो है विदेश नीति के निवेश के रूप में भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी जिम्मेदारी होती है, इनका उत्तरदायित्व तो होता है कि हम ऐसी विदेश नीति बनाएं, ऐसी कार्य योजना बनाएं दूसरे राष्ट्र राज्य के साथ में जिससे कि जनता हमें पसंद करे, और जब दोबारा हम चुनाव लड़ें तो उस समय जनता यह सोच करके हमें स्वीकार कर ले कि इन्होंने वास्तविक रूप में पूरी दुनिया के सामने हमारी विदेश नीति ऐसी तय की है जिससे कि आज पूरी दुनिया हमारी बातों से प्रभावित होती है। तो ये राजनीतिक उत्तरदायित्व भी डेफिनेटली विदेश नीति को प्रभावित करता है। 11वां है बेटा सरकारी ढांचा। निश्चित रूप में सरकार का ढांचा कैसा है, अगर हम एक देश की सरकार की बात करें तो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दूसरे देश की बात करें वहाँ सर्वाधिकारवादी व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक देश की विदेश नीति अलग होगी, है सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली वाले देश की विदेश नीति अलग होगी। जैसे भारत के अंतर्गत लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है तो हमारी विदेश नीति शांति से जियो और जीने दो की नीति है, जबकि चीन की बात करते हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है बल्कि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था है, वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, साम्यवादी दलित सर्वे सर्वा है, वहाँ की व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका साम्यवादी दल की अधीनता में काम करती हैं। तो निश्चित रूप में चीन की जो विदेश नीति है वह भी ना शांति से जिएंगे और ना शांति से जीने दे की नीति है, ना शांति से जिएंगे और ना शांति से जीने देंगे की नीति है। इसलिए सरकारी ढांचा भी जो है विदेश नीति का निवेश है, इनपुट है। ठीक है बेटा, इनपुट 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 निवेश आगत, इसको आगत भी कहते हैं बेटा, आगत। ठीक है, आगत है ना, डेविडिशन का जैसे इनपुट आउटपुट मॉडल आपने पढ़ा होगा, मैंने अपलोड भी कर रखा है, आप पॉलिटिकल थ्योरी में देख सकते हैं डेविडिशन का इनपुट आउटपुट मॉडल। 12वां है बेटा बाहरी परिस्थिति तत्व। देखिएगा बेटा, किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में उस राष्ट्र राज्य से अलग अन्य राष्ट्र राज्यों की जो परिस्थितियां होती हैं वो उसे प्रभावित करती है। मतलब बाहरी परिस्थिति भी विदेश नीति का एक तत्व होता है। किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए कार्य योजना जब तय की जाती है तो वह कार्य योजना निश्चित रूप में बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होती है, बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होती है, होती है, होती है, भले कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो। नेक्स्ट 13वां है परिस्थिति तत्व आंतरिक, अर्थात किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वह केवल बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आंतरिक परिस्थिति से भी प्रभावित होती है। इसलिए यहाँ आंतरिक और बाहरी जो परिस्थिति होती है ये दोनों के दोनों ही विदेश नीति के तत्व होते हैं। तो कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो, कोई भी राष्ट्र राज्य क्यों ना हो, अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तैयार करेगा, कार्य योजना तय करते समय आंतरिक परिस्थिति से प्रभावित होगा और बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होगा। इसलिए ये दोनों ही विदेश नीति के निवेश तत्व प्रभाग निर्धारक कहलाते हैं। बेटा नेक्स्ट है 14वां, नेताओं का व्यक्तित्व अनुभव आदर्श योग्यता। बेटा किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं, मान लीजिएगा भारत की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, चीन की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, रूस की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, फ्रांस की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, भले आप किसी भी देश की, ब्रिटेन की विदेश नीति का अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी देश की विदेश नीति का आप अध्ययन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप में वहाँ आपको ये विश्लेषण करना होगा क्या कि वहाँ के नेताओं का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनैलिटी। अगर आज हम भारत की बात करते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है डेफिनेटली आकर्षक व्यक्तित्व है, निश्चित रूप में पूरी दुनिया में पूरे विश्व में डंके की चोट पर यह दर्शा दिया है कि भारत भी कोई राष्ट्र राज्य है और ये भी दर्शा दिया है कि भारत जल्द ही विश्वगुरु बनने वाला है। ये किसके देन है, ये व्यक्तित्व की देन है, ये व्यक्तित्व की देन है, पर्सनैलिटी की देन है। तो निश्चित रूप में विदेश नीति व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। पर्सनैलिटी कैसी है, जो नीति निर्माता होते हैं, जो शासक वर्ग होता है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, नेताओं की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, बहुत कुछ विदेश नीति से निर्धारित होती है। दूसरा है उन नेताओं का अनुभव, राजनीति के बारे में उनका अनुभव है कि नहीं है, निश्चित रूप में विदेश नीति से प्रभावित होती है। उन नेताओं का आदर्श कैसा है, आदर्श ये भी विदेश नीति प्रभावित करता है। और उनकी योग्यताएँ क्या है, एक तो बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति हो और एक योग्य व्यक्ति हो तो निश्चित रूप में विदेश नीति से प्रभावित होगी। ठीक है बेटा, अब यहाँ ज़्यादा लंबा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छे से ये बिंदु समझ सकते हैं। बेटा 15वां है विचारधारा। निश्चित रूप में आइडियोलॉजी, विचारधारा मतलब विचारों का जो समुच्चय होता है, विचारों का जो समुच्चय होता है उसे विचारधारा कहते हैं। अब मान लीजिएगा मैं आपको कहना चाहूँ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, एक तरफ पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट। तो यहाँ पर जो अमेरिका था अपनी विदेश नीति का आधार किसको बना रहा था, पूंजीवादी विचारधारा को, और सोवियत संघ अपनी विदेश नीति का आधार किसको बना रहा था,
सामाजिक विचारधारा को तो निश्चित रूप में विदेश नीति को प्रभावित करने में विचारधारा का भी रोल होता है, विचारधारा की भूमिका होती है, इसलिए विचारधारा भी विदेश नीति का एक निवेश है, एक तत्व है, एक प्रभाग है, एक निर्धारक है। 16वां है बेटा कूटनीति। निश्चित रूप में किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में वहाँ की डिप्लोमेसी कूटनीति का भी अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। कूटनीति का, डिप्लोमेसी का, राजनय का विदेश नीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। बाकी हम डिप्लोमेसी के ऊपर कितने ही लेक्चर अलग से अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है बेटा 17वां विश्व संगठन। निश्चित रूप में विदेश नीति को प्रभावित करने में जो विश्व संगठन होते हैं उनका भी रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आज हम बात करते हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो निश्चित रूप में हम ये कहेंगे कि चाहे प्रत्यक्ष रूप में ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में सभी राष्ट्र राज्य किसी न किसी रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से ये प्रभावित होते ही होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसी के साथ में इसके विभिन्न जो अभिकरण हैं उनसे भी निश्चित रूप में किसी भी देश की विदेश नीति प्रभावित होती है, इसलिए विश्व संगठन भी जो है विदेश नीति का एक निवेश है। 18वां है संबद्ध देशों की प्रतिक्रियाएं। कोई भी देश अपने राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए जब एक कार्य योजना तय करता है, कार्य योजना विदेश नीति कहलाती है, कार्य योजना तय करता है, तो कार्य योजना तय करते समय वह जिन देशों के प्रति अपनी कार्य योजना तय कर रहा है तो संबद्ध देशों की क्या प्रतिक्रिया, जिस देश के प्रति कोई भी देश अपनी कार्य योजना तय कर रहा है, अपनी विदेश नीति तय कर रहा है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उससे वो प्रभावित होता है। इसलिए संबद्ध देशों की जो प्रतिक्रिया होती है, भाई इधर किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा जो कार्य योजना तय की जा रही हो तो एक्शन हो गया, और इसके बाद में दूसरे राष्ट्र राज्य का क्या रिएक्शन है, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उस प्रतिक्रिया से भी निश्चित रूप में जो कार्य योजना तय करने वाला राष्ट्र राज्य है उसकी विदेश नीति प्रभावित होती है। 19 है बेटा नीति निर्माता। निश्चित रूप में किसी भी देश की विदेश नीति का निवेश नीति निर्माता भी होते हैं। जो नीति निर्माता होते हैं उन नीति निर्माताओं की क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, निश्चित रूप में यह भी विदेश नीति के एक निवेश के रूप में अहम भूमिका अदा करता है। 20वां विश्व जनमत, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ वैसे इसके साथ कर भी दी है लेकिन अलग से भी आप नोट करेंगे, विश्व जनमत। निश्चित रूप में कोई भी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय करता है तो कार्य योजना तय करते समय वह विश्व जनमत की निगाह में नहीं गिरना चाहेगा, इसलिए विश्व जनमत को अवश्य ध्यान में रखेगा। इसलिए विश्व जनमत भी विदेश नीति का एक इनपुट है, निवेश है। बेटा 21वां भाषा धर्म नस्ल। निश्चित रूप में किसी भी देश की विदेश नीति या कोई भी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय करता है, कार्य योजना तय करते समय भाषा धर्म और नस्ल से भी अवश्य प्रभावित होता है, इसलिए भाषा धर्म और नस्ल भी विदेश नीति का एक इनपुट है, निवेश है, तत्व है, प्रभाग है, निर्धारक है। 22वां है बेटा सैनिक शक्ति, मिलिट्री पावर। डेफिनेटली किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं आप, मान लीजिएगा भारत की विदेश नीति का अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए जो कार्य योजना तय करता है तो कार्य योजना तय करते समय ये जरूर ध्यान देगा कि हमारी मिलिट्री पावर कितनी है। तो एक देश ऐसा जिसके पास मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है, एक देश ऐसा है जिसके पास मिलिट्री पावर नहीं है, तो इन दोनों देशों की विदेश नीति में अंतर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात करते हैं, हमारी मिलिट्री पावर बिल्कुल सुदृढ़ है, मजबूत है, सक्षम है, हमने दुनिया को दिखा दिया है कि आज हम किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, आज हम आत्मनिर्भर हैं। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ की मिलिट्री पावर यदि देखा जाए तो सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं तो आप देख सकते दोनों देशों की विदेश नीति मंत्र है। इसलिए सैनिक शक्ति भी विदेश नीति का एक इनपुट है, निवेश है, है तत्व है, प्रभाग है, निर्धारक है। यस बेटा ठीक। नेक्स्ट 23 प्राकृतिक संपदा। किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में प्राकृतिक संपदा का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी देश के पास में प्राकृतिक संपदा बहुत आयता में होती है, किसी के पास में इसका अभाव होता है, तो निश्चित रूप में यह बात भी उन देशों की विदेश नीति को प्रभावित करेगी, क्या प्राकृतिक संपदा। नेक्स्ट बेटा 24 औद्योगिक स्रोत और क्षमता। किसी भी देश की विदेश नीति को प्रभावित करने में या किसी भी राष्ट्र राज्य के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति की जो कार्य योजना तय की जाती है, कार्य योजना विदेश नीति कहलाती है, तो कार्य योजना सिद्धांत तय करते समय निश्चित रूप में वहाँ पर औद्योगिक स्रोत कितने हैं, वहाँ पर हम ये कहेंगे कि औद्योगिकरण की क्षमता है कि नहीं है, इसी के साथ में वहाँ औद्योगिक स्रोत और जो क्षमता है वो क्षमता है कि नहीं। एक देश ऐसा होता है जिसके पास वास्तविक रूप में औद्योगिक स्रोत हैं, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए उनके पास क्षमता भी है,
तो निश्चित रूप में एक देश ऐसा है जिसके पास में क्षमता है और एक देश ऐसा है जिसके पास में क्षमता नहीं है, तो विदेश नीति प्रभावित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम भारत की बात करते हैं तो भारत आज वास्तविक रूप में औद्योगिक स्रोत और क्षमता इसकी दृष्टि से मजबूत है, अमेरिका मजबूत है, चीन भी मजबूत है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है औद्योगिक स्रोत और क्षमता की दृष्टि से मजबूत नहीं है। इसलिए एक तरफ भारत अमेरिका और चीन कर देंगे, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान कर देंगे, तो उनकी विदेश नीति में दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का जितना अंतर है। अब अंत में हम ये कहेंगे कि विदेश नीति के तत्व या प्रभाव निवेश अथवा जो निर्धारक होते हैं उनकी संख्या मैंने 24 नोट की है। तो आप ये 24 के 24 निवेश इनपुट आगत नोट करें। ये सब नोट करने के बाद में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी देश की विदेश नीति का विश्लेषण करने में आपको कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंत में एक बात और बताऊँगा, मैंने यहाँ नोट भी कर दिया। अब निष्कर्ष क्या निकालें बेटा, इनमें कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है, क्या इनमें कोई ऐसा तत्व है जिसको हम निर्धारक तत्व कह सकते हैं? नहीं बेटा, इनमें कोई भी एक ऐसा तत्व नहीं है जिसको हम निर्धारक तत्व कहें। निर्धारक तत्व कोई भी नहीं हो सकता है। निर्धारक तत्व का मतलब होता है कि एक ऐसा तत्व जो कि पूर्ण रूप में किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करता है। नहीं, इन 24 में से एक भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि पूर्ण रूप में किसी भी देश की विदेशी नीति को निर्धारित करता है। नहीं, ये सारे के सारे तत्व एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, अंतर निर्भर हैं। इसलिए मैंने निष्कर्ष यहाँ विदेश नीति के 24 के 24 तत्व अंतर निर्भर तथा अंतर संबंधित हैं। अर्थात यहाँ आप नोट करेंगे कि ये विदेश नीति के जो निवेश हैं, जो तत्व हैं, जो प्रभाग हैं, जो निर्धारक हैं, वो एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं तथा एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। एक दूसरे से अलग नहीं है, कटे हुए नहीं है। अब जब ये एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं तथा एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं तो कोई भी तत्व स्वतंत्र निर्धारक नहीं है। मैंने यहाँ लिखा है कोई भी तत्व स्वतंत्र निर्धारक नहीं है, मतलब इन 24 तत्वों में से कोई भी एक ऐसा तत्व नहीं है जिस तत्व को आप स्वतंत्र निर्धारक तत्व कहें। मतलब विदेश नीति का स्वतंत्र निर्धारक तत्व इन 24 में से एक भी नहीं है। ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। भाई आप ये कह दें कि किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में केवल सरकारी ढांचा ही सब कुछ होता है, गलत बात होगी। आप कह दें कि राजनीतिक उत्तरदायित्व सब कुछ होता है, गलत बात होगी। आप कह दें कि किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में आकार का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, गलत बात होगी। आप कह दें कि भूगोल ही सब कुछ होता है, तो गलत बात होगी। मतलब मूल बात यहाँ ये है कि किसी भी देश की विदेश नीति को आपको अच्छे से समझना है तो इन सारे तत्वों का आपको विश्लेषण करना होगा। क्यों? क्योंकि ये कोई भी एक ऐसा तत्व नहीं है जो कि अपने आप में स्वतंत्र हो, या अपने आप में कोई भी तत्व स्वतंत्र निर्धारक नहीं है। आप फिर नोट करेंगे, कोई भी तत्व स्वतंत्र निर्धारक नहीं है। 24 में से कोई भी तत्व स्वतंत्र निर्धारक नहीं है, ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इसलिए वास्तविक रूप में विदेश नीति के विद्यार्थी को इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी देश की विदेश नीति का विश्लेषण करते समय, अध्ययन करते समय हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये 24 के 24 जो तत्व या निवेश या प्रभाग हैं या निर्धारक हैं, इनको हमें अच्छे से समझना है। और इनमें से कोई भी एक तत्व निर्धारक नहीं है, या कोई भी तत्व स्वतंत्र निर्धारक नहीं है। ये सब एक दूसरे के ऊपर अंतर निर्भर हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो नोट करिए आप निष्कर्ष, विदेश नीति के ये तत्व अंतर निर्भर तथा अंतर संबंधित हैं, और विदेश नीति के इन तत्वों में 24 तत्वों में कोई भी तत्व स्वतंत्र निर्धारक नहीं है। ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ये हो गया विदेश नीति के तत्व या प्रभाव निवेश अथवा निर्धारक। मुझे पूरा विश्वास है आप विदेश नीति के तत्वों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।